और सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार का, जहां सीएम भूपेश बघेल करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जमीन के पट्टा देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है और आगे भी वो जारी रही। सामुदायिक दावा भी कि पट्टा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में देने वाला कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अब तो जंगल वन में अब ये सागौन के पेड़ नहीं लगाए बल्कि फलदार वृक्ष लगी, चाहे वो हर्रा हो, चाहे बहरा हो, चाहे महुआ हो, चाहे आंवला हो, चाहे वो चार हो, चिरंजी हो, चाहे वो तुम जाम लगाओ, चाहे जामुन लगाओ, लेकिन फलदार वृक्ष लगाओ ताकि हमारे आदिवासी मन के परंपरागत रूप से जिन जंगल में रहे थे ओकर मन के आय के साधन बढ़ाए। जिन जल जंगल जमीन के बात आप मन करते हो, पहले आदिवासी मन पलायन नहीं करत रही से, जंगल से सब कुछ मिल जात रही से, लेकिन अब देखा था कि बहुत ज्यादा आदिवासी मन पलायन करेल धल्ले। पहले तो हम समझते रहे कि तेलंगाना जाते, ज्यादा समझते रहे आंध्र प्रदेश जाते। ये बखत जब लॉकडाउन होइस तो फोन आइस, भैया मैं गोवा में हूं, 150 हमन हन, हमन कोंडागांव जिला कन, सुकमा जिला कन, ओकर बर बस भेजे काम, कर्नाटक में कोनो फंसे है, कोनो तमिलनाडु फंसे है, आखिरी केरल जिन हमारे सबसे आखिरी में वहूँ हमारे आदिवासी नौजवान मन गेरी से। और स्थिति ये बात बहुत तकलीफदायक है, और हम फैसला लेन अब फलदार वृक्ष हमारे जंगल में लगी ताकि कौन से आय बने रहे और पर रोजगार के काम संगीता सड़क के लिस्ट दे है और इसे अनिला भाभी तक दे रही थी, लेकिन मैं आप मतलब बताता हूं अभी सबो जिला में जाता हूं, सरगुजा संभाग पूरा हो गए, बिलासपुर संभाग पूरा हो गए, बस्तर संभाग के दूठी जिला कट रहे हैं, अभी फिर से जवैया हूं, ओकर बाद रायपुर संभाग जाऊं, तेकर बाद हमारे दुर्ग संभाग में खुद दुर्ग संभाग के हूं, तेकर से सबसे आखिरी में दुर्ग संभाग बालोद भी आऊं, बालोद में दिन भर तुहर संग रहूं, रात के तुहर मन से सबो समाज वाला मन से जते भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मन है तेकरो मन से मिलूं और यहाँ रात रुकूं बालोद में, दूसरा दिन फिर रही साथ में, और जतका भी तुम्हार मांग है तेकर घोषणा भी करबो, शिलान्यास भी करबो, लोकार्पण भी करबो। ओकर स्थिति में यहाँ अतिरिक्त यहाँ कोई घोषणा नहीं करा था, क्योंकि वो पुलिया यह एक मांग है, तेकर में घोषणा कर दे बजट के घोषणा है तेन बालोद में हुई, वहां पूरा जिला स्तर के सम्मेलन भी करबो, सबसे किसान मन से, मजदूर मन से, सबसे भेंट भी करबो। तो बहुत ज्यादा होना कहते आप सब ल बड़े संख्या में उपस्थित हो, तेकर पर आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए गायन सिंह जी जैन हमर महापुरुष जैन स्वाभिमान भर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान भर आदिवासी सम्मान भर जैन लड़ाई लड़ी तेला पुनः स्मरण करते हुए आपन अतेक बड़ा आयोजन करे तेकर पर बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं निवेदन चाहूंगा मन पलायन करेल धल्ले, पहले तो हम समझते रहे कि तेलंगाना जाते, सीताराम जी ब्लॉक अध्यक्ष हलवा हलवी समाज डोंडी, ये कहा भोले धंधेश्वरी मैया की, आदिवासी हलवा समाज की, आज 20 जनवरी 2021 श्री गैन सिंह शहादत दिवस में डोंडी ब्लॉक के ग्राम ठेमा बुजुर्ग में हमारे बीच प्रदेश के मुखिया सम्मानी श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानी श्री अमरजीत भगत जी, सम्मानी श्रीमती अनिला भेड़िया जी, सम्मानी बीएस रावटे जी, सम्मानी
फूलो देवी जी, सम्मानी कुहर सिंह निषाद जी, सम्मानी शिशुपाल सोरी जी, सब जनला धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँ, हमारे देश के मुखिया, हम देश के मुखिया करा मिले बार जब गेन तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोदा पहुंचे। हलबा हलबी आदिवासी समाज सम्मेलन में आज उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी है।